Good morning to you all. Today we are going to start a new topic from that chapter, differential calculus, sixth chapter, that is increasing and decreasing function. Now, increasing and decreasing function के बारे में पढ़ना है. इससे पहले हम लोगों ने method of interval से हम लोगों ने check किया था कि कोई inequality या कोई function हमारे पास positive कब होता है, कोई inequality या कोई function हमारे पास negative कब होता है. Now, ये जो positive और negative sign of the function है, it decides whether the given function is an increasing function or decreasing function. तो increasing function और decreasing function हमारे पास किस तरह से होते हैं? First one, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की. डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ अ फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेराइवेबल इन ओपन इंटरवल ए. हम लोग क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर लेते हैं और उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस का मतलब है कि जब हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहां पे उस ग्राफ में कोई भी ब्रेकेज पॉइंट नहीं आता है. एंड डेराइवेबल इन ए बी मतलब क्या है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. देन नंबर वन एफ एक्स इज या एफ डैश एक्स, if f dash x is greater than equal to 0 for all x belonging to the open interval ab. अगर हम लोग उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और वो डेरिवेटिव जो है हमेशा greater than equal to 0 आता है for all value of x belonging to open interval ab, then the function is increasing in, तो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो जाता है इन क्लोज इंटरवल ए बी. मतलब क्या है कि जो जो हम लोगों को इंटरवल दी हुई है उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है. और सेकंड केस क्या है कि इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. बेटा यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन है. अब मैं ग्रेटर देन 0 का साइन डाल रहा हूँ और याद कीजिए कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इसको हम लोग स्लैक इनइक्वालिटी बोलते थे और ये अकेला ग्रेटर देन का साइन है इसको हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं. तो जब हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब हम लोग वर्ड यूज करेंगे strictly increasing function in closed interval ab. हमारे पास जो closed interval ab है उसमें हमारा जो function है ये strictly increasing होगा. और third part ठीक हमारे पास उसी तरह से, if f dash x is less than equals to 0, again slack inequality की बात कर रहे हैं. अगर f dash x हमारे पास less than equals to 0 आ रहा है for all x belonging to open interval ab, then the function is decreasing. अब बेटा यहाँ पे फिर से मैं वर्ड स्ट्रिक्टली यूज नहीं कर रहा हूँ, decreasing in closed interval AB. और उसके बाद अगर हमारे पास strict inequality आती है, fourth part strict inequality that is f dash x is less than 0 in open interval AB, then the function is strictly decreasing. उस केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो बेटा जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. अब अगर हम लोग ग्राफिकली बात करें तो मैं छोटे छोटे से ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ. लेट अस कंसीडर दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ पे मेरे पास फंक्शन का कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा है जिसने ये फंक्शन इंक्रीज किया और उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है और उसके बाद फिर से इस तरह से इंक्रीज करना शुरू कर देता है. सी हियर, यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आए जहाँ पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है लेकिन उसके बाद फिर से ग्रेटर देन 0 जाना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे है हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू 0 के लिए बात इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 इसलिए है क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है.
और x एक्सिस के पैरेलल जो है वो फंक्शन की स्लोप जीरो होती है, और हम लोगों को पता है स्लोप को हम लोग f डैश x से डिनोट करते हैं। तो दैट इज व्हाई जब हमारे पास ये फंक्शन आता है तो हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग फिर से ग्राफ ड्रा करते हैं, अगेन दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और यहां पे अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए कहीं पे भी कोई पॉइंट हमारे पास ऐसा नहीं है जहां पे जो हमारा डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 हो, या यहां पे कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जहां पे हमारा फंक्शन जो है x एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास डिफरेंस यही होता है कि यहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट आ जाते हैं जहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है। That is why जब हम लोग ये f dash x consider करते हैं तो greater than equals to 0 का sign लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे पास कोई भी बिल्कुल भी point ऐसा नहीं आता जहां derivative equals to 0 है, तो उसको हम लोग strictly increasing function की बात करते हैं, कह देते हैं। Similarly, दूसरी side पे अगर हम लोग decreasing function की बात करें, so this is decreasing function, तो हम लोग इस तरह से draw करते हैं। ये नीचे की तरफ जा रहा है, फिर से कहीं बीच में in between लाइन आ जाती है जहां पे ये x एक्सिस के पैरेलल है, और फिर से ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दिस इज f डैश x लेस देन 0, हियर f डैश x इज इक्वल टू 0, एंड अगेन हियर f डैश x इज लेस देन 0। तो यहां पे हमारे पास फंक्शन फिर से f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, सो वी विल से दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसी तरह से अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की डायग्राम ड्रा करनी है तो हम लोग फिर से इसको कंसीडर करते हैं, दिस इज y एक्सिस, और यहां नीचे की तरफ ड्रा करना शुरू कर देते हैं। चेक कीजिए कहीं पे भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा जिसमें हमारे पास f'x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, हमेशा हमारे पास f'x लेस देन 0 आ रहा है, सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मींस टू से अगर किसी फंक्शन को हम लोगों ने इंक्रीजिंग प्रूव करना है, सिंपल सी बात है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, और उस डेरिवेटिव को पर्टिकुलर इंटरवल, अगर पर्टिकुलर इंटरवल कहा हो, पर्टिकुलर इंटरवल में हम लोगों ने उस डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूव कर देना है, देन दैट फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर डेरिवेटिव हमारा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में लेस देन 0 आता है तो हम लोग उसको कह देते हैं कि दैट फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ वी आर मेकिंग पार्ट एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों को कहा है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल R। अब बेटा यहां पे देखिए, यहां हम लोगों को कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये कहा हुआ है कि जहां पे भी हम लोग x की वैल्यू रियल वैल्यू लेते हैं, कैपिटल R डिनोट करता है रियल नंबर्स को, रियल नंबर में ये जो फंक्शन है इट इज ऑलवेज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पहला पार्ट हमारे पास है fx इज इक्वल्स टू 3x plus 17, साथ के साथ मैं सेकंड पार्ट पे स्टार्ट कर लेता हूँ, fx equals to 7x minus 3। अब ये दोनों फंक्शन में मुझे ये कहा गया है कि when x belongs to real number, these two functions are increasing function। सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव निकालना है इन दोनों फंक्शंस को, और डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 या प्रूव कर देना, क्योंकि बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो वी हैव टू यूज ओनली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दैट इज ग्रेटर देन 0। चलिए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे f डैश x निकालते हैं, चेक कीजिए 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा और 17 का डेरिवेटिव 0 होता है, एंड क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इधर बात करते हैं f डैश x की, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 7 और 3 का डेरिवेटिव 0, सो दीज टू फंक्शंस आर हैविंग डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, बिकॉज़ यहां लिखेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हेंस given function, hence given function is strictly increasing in R, strictly increasing in R या on R। similarly यहाँ पे भी लिखेंगे, because f dash x is greater than 0, therefore given function is strictly increasing on capital R। सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव को आप ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दीजिए, आपका फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से अब जरा सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
इन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों को ये कहा है, पहले क्वेश्चन में कहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और दूसरे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जबकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है fx = 3 - 7x, और अगर सेकंड क्वेश्चन बात करें, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट fx = 1 - 1/x। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, इट इंप्लाइज f'(x)। जबकि ये इसका आंसर -7 आ जाएगा। 3 का डेरिवेटिव 0, -7x का डेरिवेटिव -7। और यहां f'(x) चेक करते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 और -1/x का डेरिवेटिव होता है बेटा जी 1/x2। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो देख लीजिए, जो ये 1/x है इसको मैं x^-1 लिख लेता हूं इस तरह से, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, -x^-1, और उसके बाद डेरिवेटिव का फार्मूला लगाना है d/dx(x^m). n^(x^n-1) होता है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास x² आ जाएगा। ये तो बेटा हमारे पास डायरेक्टली पता ही लग रहा है, शो ही हो रहा है कि -7 < 0, because f'(x) = 0, hence strictly decreasing function, और अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, we know that, यहां पे लिखते हैं बेटा जी, we know that x² = 0, जो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। इट इंप्लाइज 1/x² = पॉजिटिव नंबर। यहां पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है, लेकिन जब मैं डिनोमिनेटर में लेके गया हूं तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगा है, यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और वो इसलिए बेटा जी क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म कभी भी 0 नहीं होती है। सो वी कैन से दैट कि 1/x² की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। गिवन फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास। तो जस्ट डेरिवेटिव निकालिए और उस डेरिवेटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव प्रूव कर दीजिए, जैसे हम लोगों ने उसको प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। Now we are going to start fourth question. First part is fx = e^-2x. Second part is fx = 5^x. और third part fx = log x. First part में बेटा हम लोगों को कहा है prove that this function is strictly decreasing function. Second part और third part we need to prove that the given function is strictly increasing function. Again differentiation करते हैं f'(x). e^-2x का derivative बेटा दिया जाएगा -2e^-2x, क्योंकि e^x का derivative e^x होगा, लेकिन -2x का derivative -2 हो जाएगा, and ultimately this will become 2/e^2x, and clearly क्योंकि बाहर minus का sign है, this will be <0, therefore given function is strictly decreasing function. Given function is strictly decreasing function. अब जरा बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहां बेटा फार्मूला लगेगा a^x का। जब f'(x) फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 5^x (log of 5). बेटा फार्मूला हम लोगों ने यहां पे लगाया है d/dx(a^x). और उसका फार्मूला होता है a^x (log of a). चेक कीजिएगा। प्लस 1 क्लास में आप लोगों ने ये सारे फार्मूले पढ़े हैं, एज वेल एज प्लस 2 क्लास में भी पढ़े हैं। So 5^x (log 5). अब बेटा एक बार याद रखिएगा, because log 5 is always greater than 0 and 5^x is also greater than 0. क्योंकि अगर आप x की वैल्यू माइनस भी पुट कर देंगे ना, लेट अस सपोज 5^-2 है, 5^-2 को हम लोग बेटा 1/5^2 लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये टर्म भी हमारे पास पॉजिटिव ही रह जाएगी। अब क्योंकि 5^x भी greater than 0 है, log 5 भी greater than 0 होता है, it implies f'(x) is greater than 0, therefore given function is strictly increasing function. Again ये function जो है हमारे पास strictly increasing function हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं third one, f'(x). log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, एंड अगेन 1/x,
अब यहाँ पे बेटा देखिए कि इस फंक्शन में हम लोगों को कहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, जो log x का फंक्शन होता है ना, इसमें x हमेशा तभी पॉसिबल होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0। चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये नहीं कहा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑन r चेक करना या किसके ऊपर चेक करना। याद रखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही पॉसिबल होता है, तो इसलिए जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो 1 बाय x आ जाएगा, और कंडीशन हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0। और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसमें हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। इट अप्लाइज f'x इज ग्रेटर देन 0 इन इट्स गिवन डोमेन। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly increasing function। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो strictly increasing function हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हम लोग यहां पे लिखेंगे, राइट ऑफ प्लीज नोट डाउन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैंने बात की थी कि हम लोग क्लोज इंटरवल में एक बात करते हैं ए बी, अगर उस क्लोज इंटरवल में सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन ग्रेटर देन 0 f'x पॉजिटिव आ जाता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन अगर f'x लेस देन 0 आ जाता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब अगर बात करें कि हमारे पास उस इंटरवल के कुछ पार्ट में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या कुछ पार्ट में उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और कुछ पार्ट में डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो हम लोग कह देते हैं कि द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। प्लीज नोट डाउन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इन क्लोज इंटरवल ab f'x इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम वैल्यूज एंड f'x इज लेस देन 0 फॉर रिमेनिंग वैल्यूज। कुछ वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ वैल्यूज के लिए फंक्शन अगर लेस देन 0 है देन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग। फंक्शन जो है ना तो इंक्रीजिंग होगा नॉर डिक्रीजिंग, उस केस में हम लोग कह सकते हैं जो फंक्शन है हमारे पास वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट fx इज इक्वल्स टू kx क्यूब प्लस 5, और हम लोग को ये कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमारे पास ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं f'x। अब f'x निकालते हैं तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर इनटू k प्लस 5, और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे बेटा ये वी नो दैट x square is always greater than equals to 0, it implies 3x square is always greater than equals to 0. अब ये टर्म हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी, therefore for given function to be decreasing हमारे पास क्या होना चाहिए, ये टर्म पॉजिटिव है। अगर इस टर्म को हम लोगों ने नेगेटिव या f'x को नेगेटिव प्रूव करना है तो इट मींस हमारे पास k की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। देयरफॉर फॉर गिवन फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग वी मस्ट हैव k लेस देन 0। k की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए तभी हम लोग कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। या हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि k belonging to minus infinity to 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चाहे आप आंसर इस तरह से लिख दीजिए k less than 0, या आप आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि k belonging to minus infinity to 0, क्योंकि अगर k की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी जो हमारे पास ये गिवन डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि 3x square तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ k शुड बी लेस देन 0। Now let us discuss question number 7. 6 question simple hai, easy question hai, you can do yourself. Now I am going to discuss 7th question. In 7th question, hum log ko ye kaha gaya ki prove that the given function is increasing on R. Jo given function hai, wo hamesha increasing function aayega. I am going to write down the statement fx is equals to
एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 एंड वी नीड टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब बेटा जी सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है तो इट मींस आप लोगों ने उसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूव करना है। तो क्या करना है आप लोगों ने, f dash x फाइंड आउट करते हैं, दिया जाता है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बेटा जी। सो f dash x मैं 3 कॉमन निकालता हूं, अंदर मेरे पास आ जाता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। और अगर हम लोग चेक करें तो ये जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2। a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के चेक कर सकते हैं हम लोग कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता है। और अगर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है एंड वी नो दैट, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। चेक कीजिए यहाँ क्वेश्चन में कहा हुआ है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड नहीं यूज किया हुआ। सो वी कैन अप्लाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, वी नो दैट x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, इट अप्लाइज 3 इनटू x माइनस 2 होल स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। देयरफॉर f dash x हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, हेंस वी कैन से दैट गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और क्योंकि बेटा जी यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे, डिक्रीजिंग वर्ड नहीं यूज करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, सेम बिल्कुल जैसे 7th क्वेश्चन किया इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। f dash x निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाता है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो f dash x यहाँ पे हमारे पास जो 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 है बेटा जी, 3 कॉमन निकलता है, इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और जब इसको चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा, ये हमारे पास आता है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इट इज 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। एंड क्लियरली 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज 3 इनटू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देयरफॉर f dash x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हेंस इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी है, तो स्लैक इनइक्वालिटी के लिए हम लोग स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं f dash x, डेरिवेटिव निकालते हैं, इट विल बी 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इट इज माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर, f dash x की वैल्यू माइनस 3 में कॉमन निकाल देता हूं, इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड दिस इज f dash x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर है, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वी नो दैट x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन जब हम लोग इसको माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लीनियर इनइक्वालिटी या कोई इनइक्वालिटी होती है उसमें हम लोग दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इट इंप्लाइज आई कैन से दैट माइनस 3 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं इट अप्लाइज f dash x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, हेंस गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये फंक्शन है ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है।
जस्ट सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव निकालिए, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव प्रूव कर दीजिए, यू कैन प्रूव दैट अ गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इलेवन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, f dash x निकालते हैं तो कि इट विल बिकम 2x minus 1। अब 2x minus 1 वैल्यू आ गई है हमारे पास फॉर इंक्रीजिंग, क्या होना चाहिए चेक कीजिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2x minus 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग चेक कीजिए, डिक्रीजिंग के लिए क्या है, f dash x should be less than equals to 0, it implies 2x minus 1 less than equals to 0, तो x should be less than equals to 1/2। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है 1/2 से अगर कम होएगा तो वो डिक्रीजिंग होएगा। अब अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं चेक कीजिए, दिस इज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, लेट अस कंसीडर दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 1 और इसके बीच में कहीं 1/2 वैल्यू है। अब 1/2 से अबव वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1/2 से लेसर वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है इंक्रीजिंग इन इंटरवल की बात करें 1/2 से लेकर 1 तक ये इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग की बात करें तो ये जो फंक्शन है माइनस 1 से लेकर 1/2 के बीच में डिक्रीजिंग है। अब चेक कीजिए ये गिवन इंटरवल है, इसके ये थोड़े से पार्ट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है लेकिन ये बाकी का जो पार्ट है इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया अगर किसी इंटरवल में कुछ पार्ट में ये इंक्रीजिंग है और कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें, यहां जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, बेटा आप चाहे u ओवर v का फॉर्मूला लगाइए, चाहे x स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर ले जाइएगा चेन रूल लगा के, हम लोग f dash x निकालेंगे, इट विल बी -2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये होल स्क्वायर है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इट मींस द साइन ऑफ द गिवन डेरिवेटिव फंक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द न्यूमरेटर ओनली। नाउ अब r के ऊपर है, r फंक्शन हमारे पास नेगेटिव भी होता है और r फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, मींस नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। सो f dash x इज लेस देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड f dash x इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूंगा तो ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा और x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव पुट करता हूं तो ये आंसर मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि रियल नंबर के आधे पार्ट जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है और पॉजिटिव पार्ट के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ना तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें x बिलोंगिंग टू 0 से लेकर इनफिनिटी ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा और x बिलोंगिंग टू माइनस इनफिनिटी टू 0 ये फंक्शन हमारे पास जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा जी।